हॉस्पिटैलिटी आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज में से एक है। क्या आप इस ग्लोबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन अपना करियर संवारना चाहते हैं? ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैट्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहां आप पा सकते हैं दुबई, कुवैत, मॉरिशियस, सीशेल्स, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में जॉब प्लेसमेंट्स। ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैट्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करें 7406129277 या 7406129276। जल्दी करें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज बेलगाम में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बाढ़ और कोरोना वायरस नियंत्रण के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और सलाह दी। कृष्णराजपेटे तालुका नारगौनहल्ली में कोरोना रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव समझकर जवरैया ने की खुदकुशी। जवरैया का अंतिम संस्कार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने करके मानवता को प्रभावित किया है। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर कोरोना से बचा जा सकता है, ये कहते हुए लोगों को बेदार किया। हाथरस में हुए दलित युति पर अत्याचार और हत्या की निंदा करते हुए दलित संघर्ष समिति हड़ियाल की जानिब से अपराधियों को फांसी देने की मांग करते हुए तहसीलदार ऑफिस हड़ियाल में मेमोरेंडम पेश किया गया। बेलगाम पंजी बाबा के निवासी यासीन सिलेदार का मंगलोर के एक सड़क हादसे में निधन हुआ है। हासिल जानकारी के मुताबिक वो अपने भाई को लेने मंगलोर गए हुए थे। यासीन सिलेदार की डेड बॉडी को बेलगाम लाया जा रहा है। बेलगावी रूरल डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से हाथरस में दलित युवती पर हुए अत्याचार और हत्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की गई। संकेश्वर के व्यापारियों के साथ कन्नड़ पर संगठनों ने राजस्थानी हटाओ संकेश्वर बचाओ के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि राजस्थानी व्यापारी अब तकरीबन हर गांव शहर में अपना कदम जमा लिए हैं। ये व्यापारी काफी कम दामों में अपना बिजनेस चलाते हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी का भी निधन होने पर स्मशान की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को परेशानियां हो रही है। इस मामले को लेकर लक्ष्मी हब्बारकर ने डीसी एमजी हिरेमठ से ग्रामीण क्षेत्रों में स्मशान के मुद्दे को हल करने की अपील की। हाथरस में हुए दलित युवती पर अत्याचार और हत्या के कारण रामदूर हुतात्मा सर्कल पर जमा होकर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम और अंजुमन इस्लाम कमेटी रामदूर के तरफ से श्रद्धांजलि पेश की गई और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मुजरिमों को फांसी देने पर जोर दिया गया।